उन्नाव के पूर्वानगर के मोहल्ले पश्चिम टोला की छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई है। युवती यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कमांडो स्पेशलिस्ट की पढ़ाई करने गई थी। छात्रा के फंसे होने पर पिता ने पीएमओ ऑफिस और यूक्रेन में भारतीय दूतावास में फ़ोन किया है। प्रधानमंत्री ऑफिस और विदेश मंत्रालय में फ़ोन कर मदद मांगी है। बता दें कि पूर्वा कस्बे की मोहल्ला पश्चिम टोला निवासी अरुण गुप्ता की पुत्री श्रुति कृष्णा 13 दिसंबर 2021 को यूक्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कमांडो स्पेशलिस्ट की पढ़ाई करने कारसीव शहर गई थी। छात्रा के पिता अरुण गुप्ता ने बताया वह छात्राओं के साथ बंकर में सुरक्षित है लेकिन बहुत घबराई हुई है। हमारा बेटे का बड़ी बेटी। अच्छा, नाम क्या है उसका? श्रुति कृष्णा। आपके बेटे का नाम? अरुण कुमार। ये बच्ची कब गई है यूक्रेन? 13 दिसंबर। क्या करने वहाँ गई है? वहाँ पे क्या करने गई थी ये? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का कोर्स करने, इंजीनियरिंग करने गई। जी। अच्छा, कैसे आप लोग संपर्क कब हुआ आखिरी बार बच्ची से? संपर्क पैसे दो दो दिन में मोबाइल द्वारा संपर्क होता है, वीडियो कॉल होता है, और बच्चा सुरक्षित था। लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हो गया, फिर भी 23 तारीख तक कॉलेज चला था। 24 को कॉलेज में गए तो वहाँ से वार्निंग दिया, बेटा तुम लोगों का लैपटॉप, मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स सब छोटा सा एक बैग में कलेक्ट करके अपने पास रखो, माहौल अगर बिगड़े तुरंत कोई सेफ्टी जगह जाना पड़ेगा, कोई ये सब कहीं कुछ हो गया तो वापस मिलना नहीं है। बाकी सामान सारा एक बैग पेटी में बंद करके अपना नाम पता लिख के स्टिकर लगा के ताला बंद कर देना। बच्ची से आपकी बात आखिरी बार कब हुई? बच्ची की बात हुआ था 23 तारीख को रात को अपने इंडियन टाइम 11 बजे। अच्छा, क्या कहीं शिकायत की गई पीएमओ या दूतावास में? गुहार लगाई गई बच्ची को वापस लाने के लिए? दूतावास में हमारा कोई करस्पोंडेंस नहीं है। उनकी फादर जो कुछ कर रहे कर रहे, हमको याद नहीं है, न मालूम है। हम तो पूर्वा में ही रहती हूँ जी। पिताजी उनके कहाँ रहते हैं? कुवैत में। और माताजी? केरला में। अच्छा, श्रुति कृष्णा के कितने भाई बहन हैं? एक छोटी बहन और है। क्या नाम है उसका? पूजिया। अच्छा, माताजी कहाँ रहती हैं उसकी? केरल में ही रहती है, बच्चे का एजुकेशन करवा रही है वहीं। अच्छा, केरल में किस जगह है? केरल में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट।